Hi you guys, welcome back to Dafty Dames. I am Durga and in this video we are going to show you कि कैसे हमने पुरानी walls को repaint किया है और एक wall art किया है which I absolutely love क्योंकि हमने खुद से किया है. It costed us very little and लगता है कि wall painting बहुत difficult होता है but trust me it is not. It is so much fun and I really miss Shalmali for this one. But this video is special क्योंकि this is our first collab with a friend and an artist, Mayuri Sahani. So, let's get going. So, let's begin. This is the space we are going to tackle today. तो इसके walls पे बड़े बड़े cracks हो गए थे. बिकॉज ये घर टॉप फ्लोर पे है तो हमने प्रोफेशनल से डैम्पनेस ट्रीटमेंट करके ली थी. बट देन बाकी का काम तो हम ट्राई कर ही सकते हैं. वैसे फ्रैंकली दिस इज़ नॉट द एब्सोल्यूट फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग वॉल पेंटिंग. रिसेंटली मी एंड शालमली डिड पेंट हर घर का बैल्कनी. दिस इज़ जस्ट अ स्नीक पीक ऑफ द प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग ऑन. सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मिस दोज वीडियोज डू सब्सक्राइब टू आर चैनल. इसीलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई माई हैंड्स ऑन द इंटीरियर वॉल्स टू. I'll begin by completely emptying this room, parde, tube lights, everything. Also, don't forget to wear your old clothes because they will get extremely dirty. अभी पेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी स्टाइलिंग नहीं कर सकते. I'm going to tie a head scarf so that my hair shall be protected and I'll look a bit chic too. Step 1 is to scrub the wall. तो I have taken this 150 number का sandpaper, जिससे मैं पूरी wall scrub करूँगी, जिससे कि हमारी wall dust और dirt free हो जाएगी. There is going to be a dust storm, so I'm going to wear a mask and protect myself. Because I'm going to do the whole room, I have to scrub all the walls. Look at the amount of dust. Of course, we have to do the deep cleaning as well. Step 2 is to make a paste. So I'm taking a white putty and plaster of Paris in same proportion. So one glass of each and I'm going to mix it well. फिर धीरे धीरे पानी डाल के इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे. अभी जो हमारी ये पेस्ट बन गई है, let's start filling all the holes and those tiny cracks which you see on the walls. एक बार जो ये पुट्टी सूख जाती है फिर वी नीड टू जस्ट स्क्रेप आउट द एक्स्ट्रा फ्रॉम द वॉल. आई एम यूजिंग द सेम पत्रा विच आर यूज्ड टू फिल ऑल द होल्स एंड द क्रैक्स. एंड देन इवन दिस एक्सपर्ट एंजल केम टू हेल्प मी आउट. हिज नेम इज़ अर्नव एंड ही वॉज अ बिग हेल्प. एंड वंस दैट इज डन वी अगेन हैव टू रब ऑल द वॉल्स विद द सैंड पेपर. Of course, I was tired by now, but the walls were looking like this and I cannot leave them like that. Our third step is to put primer on this blue wall. But uske pehle floor ko protect karne ke liye main ise masking tape aur newspaper is edges pe laga rahi hu, so we will have a clean paint. और फिर पेपर को उड़ने से बचाने के लिए आई विल जस्ट पुट अ मास्किंग टेप एट द एंड ऑफ इट. ऑल्सो जो सारे वॉल हुक्स है, स्विच बोर्ड्स हैं, बल्ब होल्डर्स, सारों को ऐसे मास्किंग टेप से प्रोटेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट हम प्राइमर की तैयारी करते हैं. सो दिस इज़ एशियन पेंट का 1 लीटर वाला वाटर बेस्ड प्राइमर. इसको एक बड़े बाल्टी में ले लेंगे और सेम अमाउंट का पानी डालेंगे. सो 1 लीटर प्राइमर के लिए 1 लीटर पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. फिर इसको ऐसे एक फ्लैट ट्रे में ले लेंगे. आई ऑलरेडी हैड दिस ट्रे. तो थोड़ा प्राइमर निकाल लेंगे ट्रे में, फिर रोलर के इस्तेमाल से इसको वॉल पे लगा देंगे.
सो दिस इज़ द फन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि रोलर है तो काम बहुत ही फटाफट और आसानी से हो रहा है, और जो ब्लू कलर है वो भी प्राइमर के नीचे छुप रहा है. आई एम गोइंग टू डू जस्ट दिस वॉल एंड नॉट द वाइट वॉल. वंस दिस कोट इज ड्राइड आई एम गोइंग टू डू अ डबल कोट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर द सेकेंड कोट. काफ़ी वाइट हो गई है वॉल एंड नाउ द फाइनल स्टेप इज टू पेंट द वॉल. आई एम यूजिंग एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमर्जन L124, दैट इज़ प्योर आइवरी शेड. तो यूजुअली शॉपकीपर्स ही ये कलर मिक्स करके देते हैं, पर हमारे वाले ने नहीं दिया तो वी हैड टू डू इट आर सेल्फ. तो फर्स्ट मिक्स दिस कलर एंड वंस दैट इज़ डन, ये जो पूरी 4 लीटर की बाल्टी है वो मैं इस बड़ी वाली बाल्टी में लेके उसके अंदर 1.5 लीटर पानी डालूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट रियली वेल. किसी की मदद भी ले सकते हैं, अर्नव वॉज हेल्पिंग मी आउट. एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट पेंटिंग. तो रोलर की मदद से पेंटिंग शुरू कर देते हैं. और अगर आप भी फर्स्ट टाइमर हैं मेरे जैसे, तो स्टार्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द वॉल सो दैट अगर कलर ड्रिप भी हो जाता है नीचे तो वॉल पेंट खराब नहीं होगा. एंड देन अगेन अर्नव केम एंड हेल्प मी आउट एंड आई डिड लेट हिम पेंट बिकॉज आई थिंक इट डज बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द किड्स एंड ही डिड अ गुड जॉब. So, thank you Arnav. Once the first coat dries up, we'll give a second coat and I think our job will be done. This is how our room has turned out to be. The blue wall has become completely white and all the walls look as fresh as a new one. And with this, the part 2 of our video begins, and that is doing the mural wall. So, my friend Mayuri came in to help me. She started by making colors. So she is using acrylic color on the base color which we have used on the wall. She was mixing different colors to get a desired shade. So we are also using the colors which we already had from a previous project. So this is the spice shade from the Fox Ceramic Vase project and she is making it darker. तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे शेड्स बना लिए अपने एक्रेलिक कलर से एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड एंड कॉस्ट इफेक्टिव आइडिया बिकॉज यू कैन मेक एज मेनी शेड्स एज यू वॉन्ट एंड यू कैन मेक देम डार्कर एंड लाइटर एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो वी ओनली आस्क्ड हर टू कीप दिस वॉल म्यूरल सिंपल एंड मिनिमल बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक इट. नाउ ऑल वी नीड टू डू इज सिट बैक एंड एंजॉय वॉचिंग मयूरी डू हर मैजिक. So this is Voice Over Durga saying goodbye. So this is it. This was our first wall painting attempt and a first collab. I have to say a big thank you to Mayuri for coming in and helping me. I have learned so much from her. And this doesn't end here because there are so many more walls to be painted. So if you don't want to miss out on those, please subscribe to our channel or subscribe ke baju mein jo notification bell hai use bhi press kar dena. Please give us a big fat thumbs up if you have liked this video and comment mein bataiye ki aapko kaisi lagi.
Share this video with your friends and family. Thank you for watching. Bye-bye.